बात पटना की करेंगे, जहां पर दक्षिण बिहार लू की चपेट में है। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने मुसीबत को बढ़ा दिया है। 9 अप्रैल तक ऐसे ही रहेंगे हालात। पटना में तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। गया में 22 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है पछुआ हवा। बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार जो तापमान है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और गर्मी लोगों को अब सता रही है, परेशान कर रही है। तो आपको बता दें कि पटना में तापमान 40 डिग्री के पास है। गया में 22 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा से पछुआ हवा चल रही है। बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि 9 अप्रैल तक ऐसे ही हालात रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है पटना की अगर बात की जाए 40 डिग्री के पास जो तापमान है वो पहुंच चुका है। लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं और आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। भाई, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है और साथ ही पटना में 40 डिग्री के पास ये तापमान पहुंच चुका है, लोगों को कितनी परेशानी? नहीं, स्वाभाविक तौर पर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था और खासतौर से दक्षिण बिहार के लोगों के लिए वहां पर 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है और खासतौर से जो पछुआ हवाएं चल रही हैं वो बेहद मुश्किलें पैदा कर रही हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है और उधर से आने वाली हवाएं बिहार के लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 9 तारीख तक लोग एहतियात बरतें, घर से बाहर निकलने वक्त पूरा मुंह ढके रहें, खाली पेट ना रहें, क्योंकि लू लगने की ज्यादा आशंका है और उससे मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में 2-3 दिन और परेशानी होगी और लोगों को फिलहाल बचने की जरूरत है। जी बिल्कुल आशुतोष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।